जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्यकर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार, आपकी आशा नामक कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जीवन के उन पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध जीवन और मृत्यु से है। आज का विषय है प्रायश्चित का फल। आज हमारे साथ अमर जी मौजूद है जो हमें इस विषय को लेकर आगे और बताएंगे। जी अमर जी, बताइए। नमस्कार। प्रायश्चित का फल नामक कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि इसका आरंभ में सोलोमन जो एक राजा हुआ करता था और जो बहुत बुद्धिमान था, उसने अपनी प्रजा के लिए ऐसी प्रार्थना की कि जिसमें परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ही हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी बनाई हुई रचना है। तो अगर हम ये कहें कि अगर इफ़ माई पीपल, मेरे जो लोग हैं, हु आर कॉल्ड बाई माई नेम, जो मेरे नाम के द्वारा जाने जाते हैं, हम भी परमेश्वर की रचना है। इफ़ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाई माई नेम शैल हम्बल, अगर हम नम्र होंगे, हम्बल देम सेल्फ एंड टर्न अवे फ्रॉम द, और अपनी दुष्टता से दूर चले जाएंगे, देन आई विल हियर फ्रॉम हेवन एंड हील देयर लैंड। तो प्रायश्चित करना अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर को, अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा करना है, अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता को, परमेश्वर के स्वास्थ्य को, परमेश्वर की अच्छाई को लाना है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर भला है। हमारे देश में कई बार क्या होता है, किसी राज्य में फसलें फेल हो जाती हैं, जब फसल फेल हो जाती है तो किसान बेचारा रोता है। हमारे घर में बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। हमारे घर में कई बार ऐसा एक सर्किल है कि डेथ्स बहुत होती हैं, कई मृत्यु का शाप है, या कुछ जगहों पर एक तरह का विनाश का शाप है, कुछ लोगों का मस्तिष्क विकृत है। तो इन सब बातों के लिए हम क्या करें? अगर अब कोई भी विकल्प जीवन में नहीं रहा, हम कहते हैं अब तो मौत ही सामने, अब तो कुछ नज़र नहीं आता, अब तो मुझे कहीं भी रोशनी नज़र नहीं आए, तो बाइबल ये बताती है कि मनुष्य अपने घुटनों के बल या कुर्सी पर बैठ कर परमेश्वर के आकर जाकर प्रायश्चित करें, परमेश्वर को बोले, हे परमेश्वर, जिस दिन से मेरा पैदा हुआ और मेरी पिछली चार पीढ़ी के लोगों ने प्रभु तेरे खिलाफ पाप किए हैं, उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने हेरा फेरी की है, उन्होंने चोरी की, जो कुछ भी है, आप अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। जब आप बाइबल के परमेश्वर के आगे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे तो बाइबल कहती है ये आपके जीवन में रेस्टोरेशन लाएगा, आपके संबंध परमेश्वर के साथ बन जाएंगे। जब परमेश्वर के साथ आपके संबंध बन जाएंगे तो आपको उसका मार्गदर्शन बनेगा। परमेश्वर के पास ऐसे ऐसे तरीके हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आप अपनी मस्तिष्क और अपनी सीमित विचारधारा के आधार पर नहीं ढूंढ सकते। लोगों को मालूम नहीं है कि लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, समझते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर की आँखें निरंतर इस धरती के चारों तरफ देखती हैं। वो देखती हैं कि कौन आदमी या कौन औरत उस पर विश्वास करता है, कौन आदमी उसकी तरफ आंखें लगाकर, टकटकी लगाकर देखता है, कौन आदमी उससे कहता है प्रभु मेरी सहायता कर, कौन कहता मैं निसहाय हूँ, कौन ये कहता है प्रभु अगर तू मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सकता। बाइबल में हना नाम की एक स्त्री की कहानी है, आप पढ़िए 1 सैमुअल 2 की, थोड़ा सा पढ़िए उसमें कि उसने परमेश्वर के आगे प्रायश्चित करके प्रार्थना की, और मैं बताऊंगा उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा पढ़िए। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा हृदय यहोवा में मगन है, यहोवा के कारण मेरा सिंह ऊंचा हुआ है,
मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं है, निश्चय तेरे सिवाय कोई ही नहीं, और न हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है। अहंकार से भरकर घमंड की बातें और मत बोलो, और अपने मुंह से ठिठाई की बातें निकलने ना दो, क्योंकि यहोवा सर्वज्ञ परमेश्वर है और वह कार्यों को तौलता है। बस यहीं तक। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो बांझ थी। उसके पति के दो पत्नियां थी। पुराने नियम में पहले तो एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों से भी शादी कर सकता था, लेकिन नए नियम में ये संभव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ। लेकिन उसकी जो सौतन थी, दूसरी औरत थी, उसके तो बच्चे थे, इस हाना के बच्चे नहीं थे। लेकिन बाइबल ये बताती कि एक दिन वो परमेश्वर के मंदिर में, जहाँ यहोवा की आराधना होती थी, वहाँ पर जो याजक था वो एली नाम का व्यक्ति था, तो वो उसके पास जाकर यशुआ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लग गई, रोने लग गई, कहने लगी, हे प्रभु, मेरी जो सौतन है, जो मेरी शत्रु की तरह मेरे साथ व्यवहार करती है, मुझे बार बार ताने देती है कि तेरे बच्चे नहीं होते, तेरे बच्चे नहीं, तू तो बेकार है, तू यूज़लेस, तो मेरी प्रभु मेरी सहायता करो, मैं तो इज़राइल के परमेश्वर तेरी दबासी हूँ, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं चलती। वो एक साधारण स्त्री थी, वो एक बहुत छोटी थी, बहुत, लेकिन बाइबल ये बताती है कि उस स्त्री की प्रार्थना, उसके आंसू परमेश्वर ने देखे, उसके प्रायश्चित की जो आत्मा थी, उसका जो सम्मान परमेश्वर ने किया। तो अगर आप अपने जीवन में घुट घुट कर जीती हैं, अकेली हैं, या आप आदमी हैं, आपके जीवन में आपको जॉब नहीं मिलता, या कोई भी ऐसी परिस्थिति है, तो आप प्रायश्चित की आत्मा में अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के पास जाओ। हमारा परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिसका बाइबल में जिक्र है, आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला है, वो आपको प्रेम करता है। अगर आप उसकी प्रशंसा करेंगे, अगर आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके जीवन के सब विकल्प समाप्त हो गए, अगर आपको सुरंग में कहीं भी कोई रोशनी नहीं नज़र आती, तो बाइबल का अध्ययन करने, उस परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाने से आपके जीवन में आश्चर्यकर्म होने शुरू हो जाएंगे। वो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसने एक असाधारण व्यक्तित्व, जिसका नाम सैमुअल था, को जन्म दिया। वही सैमुअल इज़राइल का राजा बना। उस वक्त थियोक्रेसी का आरंभ उसने किया, और उसने इज़राइल के लोगों को न्याय दिया। तो अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, आप समझते हैं मेरा तो कोई दुनिया में नहीं है, मैं तो बहुत पैर की जूती जैसे कहते हैं हमारे समाज में, या मैं तो बिल्कुल ही असहाय हूँ, मेरा तो कुछ ही बस नहीं चलता, या मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं होता, या मेरे ऐसे घाव हैं, या ऐसा है, आप अपने प्रायश्चित में परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं को ले जा सकते हैं। उसका फल यह होगा कि आपके जीवन में चंगाई आरंभ हो जाएगी, आपके जीवन में वो सब चीज़ें आ जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत है। हमारे देश में क्या है कि हम लोग आत्मदया से, कड़वाहट से, गुस्से से परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा है, वो हमसे अपेक्षा करता है कि उसको दोष ना दें, लेकिन उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं इस किताब के अंदर, बाइबल के अंदर लिखी हैं। परमेश्वर चाहे आदमी कितना भी दुष्ट हो और प्रायश्चित करे, तो उसके पापों को क्षमा कर देता है और उसके जीवन में अच्छाई लाता है। अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपके जीवन में बुद्धिमानी की ज़रूरत है, आपके जीवन में जो चीज़ें आप चाहते हैं उपलब्ध नहीं होती, तो बाइबल ये कहती है कि आज्ञा मानना उपहार चढ़ाने से, कहीं दान देने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। बाइबल जो है, बाइबल कहती, जो बाइबल का परमेश्वर, वो कल भी वैसे था और आज भी वैसे है, और वो आने वाले समय में भी वैसा रहेगा। परमेश्वर प्रायश्चित के द्वारा आपके जीवन की जो दिनचर्या है उसको समाप्त कर सकता है। परमेश्वर प्रायश्चित करने वाले के समीप आता है। दूसरे ब्रेक के बाद आपको और बताएंगे कि कैसे एक दुष्ट राजा ने प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने जो न्याय उसके लिए मुकर्रर किया था उसको चेंज कर दिया। ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे।
ब्रेक से वापस आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस समय हम ये गीत सुन रहे थे, आँखों में आंसू। आशा करती हूँ कि आपको ये गीत अच्छा लगा। हम प्रायश्चित का फल के बारे में सुन रहे थे। अमर जी बताइए आगे। ऐसा है कि हम आपको ये बता रहे थे कि जब आप अपने आंसुओं को परमेश्वर के समक्ष अकेले में बहाएंगे या प्रायश्चित करेंगे तो आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होंगे। कई बार अगर आप अपने आंसुओं को मनुष्य के समक्ष बहाएंगे तो हो सकता है उसका हृदय कठोर हो जाए, हो सकता है आप उसको द्रवित ना कर सकें, या हो सकता है उसके लिए रूटीन हो, लोग रोते हैं उसके सामने। लेकिन परमेश्वर के सामने जब आप अपने आंसुओं को बहाएंगे तो आपके जीवन में, आपके शत्रुओं में से वो हमारी सहायता करेगा। आप बाइबल में पढ़िए, रोमियो की पुस्तक 8:31 में परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है नए नियम में। अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है? हाँ, ये देखिए, बाइबल ये कहती है अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है। और थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भजन संहिता 56 उसके 8 में लिखा है, तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है और मेरे आंसू को अपने कप में रख लिया है, और क्या तेरी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर आपके आंसुओं को स्टोर करता है, आपके आंसुओं को रखता है, वह आपके आंसुओं का सम्मान करता है। अगर आप परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे तो आपके शत्रुओं को वो भगाएगा। यशाया 38 में ये भी लिखा है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँगा तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे आंसुओं को देखो, अपनी विश्वसनीयता को मेरे प्रति दर्शाओ, प्रभु मुझे इन दर्द से छुटकारा दो, और आपके जीवन की जो भी परिस्थिति हो प्रभु मुझे शापों से मुक्ति दो। मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैंने आपके विरुद्ध पाप किए हैं, और प्रभु मेरी इस तंगी को अंत करो। हमारे देश में किसान आत्महत्या कर लेते हैं फसल, उसके लिए भी, वर्षा के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु आप मेरे खेत पर वर्षा बसाओ, हे प्रभु मेरी फसल को उगाओ, हे प्रभु मुझे टिड्डियों से बचाओ। हे प्रभु अगर आपको पूरा नहीं पड़ता जीवन में, रोटी की कमी, आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपको विवाह के लिए रिश्ता नहीं मिलता उसके लिए भी प्रभु मुझे सही वर दो, सही वधु दो। अगर आपको कपड़े की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं। आप कहिए, हे मेरे परमेश्वर आप ही मेरे आश्रय है। इज़राइल के लोग भजन संहिता 22:4 में ये कहते थे कि प्रभु तुझ पर हमारे पूर्वजों ने भरोसा रखा तो हम भी आपको ऊपर भरोसा रखते हैं। मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाता हूँ, हज़किय्याह। हज़किय्याह एक बहुत अच्छा राजा था। आरंभ में उसने बहुत सारे सुधार किए, उसने परमेश्वर का कहना माना और परमेश्वर ने उसको जीवन की हर चीज़ में सफलता दी, उसे शत्रुओं से बचा के रखा, और वो बहुत मतलब अपने राज्य को संचालन में बहुत कामयाब हुआ, बहुत उसकी सफलता मिली। लेकिन उसके अंत के दिनों में उसने परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की और वो कुछ घमंडी हो गया। लेकिन बाइबल ये बताती, क्योंकि जब परमेश्वर के खिलाफ आप पाप करते हैं तो उसकी कृपा आपसे दूर चली जाती है। लेकिन उसने क्या किया, जब उसे उसका भविष्यवक्ता ने आके उसका कहा कि प्रभु ने कहा है कि तेरा जीवन अब समाप्त हो जाएगा क्योंकि तूने प्रभु को खुश करना समाप्त कर दिया, तो अब खुश नहीं करता, तो बाइबल ये बताती है कि उस आदमी ने क्या किया, कमरे में जाकर परमेश्वर के आगे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैंने तो सारे जीवन तेरा अनुसरण किया है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे दोष हो गया, मुझे क्षमा कर। तो परमेश्वर ने ये कहा भविष्यवक्ता के थ्रू कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हज़किय्याह नाम के राजा ने, उसका नाम हज़किय्याह था, कि प्रायश्चित किया, चलो मैं उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दूँगा। बाइबल में एक दूसरे आदमी की भी कहानी है कि जिसका नाम अहाब था, वो उसकी जो पत्नी जेज़ाबेल थी, उसको पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि उसने भी बहुत दुष्टता की थी और उसका भी मौत आने वाली थी, और परमेश्वर ने कहा कि जब तक ये आदमी जीता रहेगा इसके जीवन में कभी शांति नहीं होगी, और इसमें उसको मैं शत्रु भेजूंगा क्योंकि उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, परमेश्वर के कहने को नहीं माना अपनी पत्नी के कहने पर। उसने भी बाइबल में बताती, इतना दुष्ट राजा था, बाइबल में लिखा है कि ऐसा दुष्ट राजा कभी नहीं हुआ,
उसने भी परमेश्वर के आगे प्रायश्चित किया, प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता भेजा। अमर जी आपसे एक सवाल पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत ऊंचे दर्ज का पापी समझते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर उनको क्षमा नहीं करेगा, तो क्या वो इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि परमेश्वर उनको क्षमा करेगा? बाइबल के अनुसार परमेश्वर हर पापी को हर परिस्थिति में क्षमा कर सकता है और बुराई से निकाल सकता है, क्योंकि जो यीशु मसीह के एक तरफ एक चोर लटका हुआ था, मृत्यु से पहले भी उसने प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि जो आदमी अपने पापों को अंगीकार नहीं करता वो सफल नहीं होता। बाइबल ये अपेक्षा करती है कि हम हर हालत में प्रायश्चित करें, अपने पापों से अपना मुँह फेर लें और परमेश्वर के आगे आंसू बहाएं। मतलब आंसू बहाने का ये नहीं कि आप हैवी स्पिरिट के हो जाओ, लेकिन जब आपके आंसू रुकने तब रुकेंगे जब आप उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दोगे। बाइबल ये बताती है कि वो अपने लोगों की जो उस पर विश्वास करते हैं उनकी प्रशंसा में उपस्थित रहता है। बाइबल का परमेश्वर एक दयावान परमेश्वर है। अगर हमारे जीवन में किसी किस्म की अपंगता है, किसी किस्म की दुख तकलीफ़ है, जो जाते नहीं, जो जा नहीं, जो बहुत सर्दियों से पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती, तो हम परमेश्वर को प्रायश्चित के द्वारा उसके समीप जा सकते हैं। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि हमारा जो घर के अंदर हमारे जो पिता होते हैं, हमारे जो फादर साहब होते हैं, वो हमारी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं क्योंकि हमें प्रेम करते हैं। जब हमारे अर्थली फादर, इस दुनियावी पिता इतना सब कुछ करता है, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं करेगा? इसलिए बाइबल बताती है कि अगर आपके जीवन में कोई किसी किस्म का विनाश है, किसी किस्म की ऐसी परिस्थिति है जो नहीं जाती, तो यह संभव है कि आप उस परिस्थिति से विनाश के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा निकल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन की, बाइबल की जो कुंजी है वो इस आयत में है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अगर आप उसके विश्वास में अंदर जाना चाहते हैं, तो आप प्रायश्चित करके, अपने पापों को अंगीकार करके आप उसके विश्वास में चले जाइए। प्रभु, आप बोलिए, आप अपने राज को, अपनी पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में भेजिए। प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ अपने जीवन में किए हुए हर जाने और अनजाने पाप से। मैं प्रायश्चित करता हूँ प्रभु, अनजाने में मैंने ये गलती की, प्रभु अनजाने में मैंने ये गलती की। प्रभु, आप मेरी जीवन की जो गाड़ी है उसको पटरी पर ले आओ। इसलिए जब मैं और आप प्रायश्चित करेंगे, परमेश्वर के मुख को देखेंगे, तो परमेश्वर का हाथ आगे बढ़ेगा, उससे माफ़ी मांगेंगे और परमेश्वर हमारी जीवन में सफलता लाएगा, हमारे जीवन की परिस्थितियों को परिवर्तित कर देगा। हमें रोज़ उठकर प्रायश्चित करना और धन्यवाद करना सीखना चाहिए। रोज़ शाम को जब हम सोने से पहले प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु आज सुबह से लेकर अब तक मैंने जो भी जाने अनजाने में पाप किए, मैं क्षमा मांगता हूँ। तेरा धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, तेरा धन्यवाद कि तूने जो भी दिन की जो बातें हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और परमेश्वर हमारे जीवन में प्रायश्चित के द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने दर्शक गणों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रायश्चित की आत्मा को समझें, प्रायश्चित के फलों को समझें और उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ है, संकट है, जो कुछ भी है प्रभु, तो उनके प्रायश्चित का सम्मान कर, जिससे उनके जीवन की जो गाड़ी है पटरी पर आ जाए। यह सब हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमेन। आमेन। धन्यवाद अमर जी, आपने हमें इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई है। और मेरे प्यारे दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।